अंक, इसलिए आज अधिक सप्तमी है, आज भी है, उपवास भी है। उपवास क्या है? समीपवास भगवान के तथा श्रवणीय उपवास है। खाने पीने से क्या उपवास थोड़ी हो जाता है, फल मूल खा के भगवान मिल जाते हैं। फल मूल खा के होली मिले तो कितने बंदर बन रहे हैं। वृंदावन में तो बंदर भी चश्मा भी ले लेते हैं और भी वो जूस पीना चाहती है। जब तक उसके ये नहीं दोगे, फ्रूटी नहीं दोगे तो चश्मा ले। एक हाथ में चश्मा ऐसे खड़े रखते हैं, दूसरे में तो फ्रूटी दो। पता नहीं लोग ऐसे से पूछ रहे हैं वृंदावन। तो फल मूल खाने से भगवान मिल जाए तो कितने बंदर बन ये सब पता गया। इसलिए वास्तव जो है उपवास के मूल तत्व जो है भगवान की कथा श्रवण। आज अधीश आचार्य की महा आविर्भाव तिथि है। अधीश आचार्य की कथा भेज करके मठ मंदिर जो प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर हो रहा है, ये प्रसन्न महात्मा आएंगे। मैं भी आऊंगा तो जीवित रहूं तो जरूर बोलो वृंदावन पंचाविपाशिंदिता पावने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किस किस को भूख नहीं लगी हाथ खड़े करना? नहीं लगी ना, थोड़ी सी और लगेगी ना। बहुत स्वादिष्ट बनाया मुझे पास सीधे महाराज जी कुछ नहीं। ओम ज्ञान तिमिराम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अजानुलम्बित भुजौ कनका ददातौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ निजवरौ युगधर्म पालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। मैं अकेला बोल रहा हूँ, अब आवाज आ नहीं रहा, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद श्रोधर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रवि विष्णु पाद श्रोधर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंड पादगण समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज का जो तिथि है श्री अद्वैत सप्तमी, आप लोग ने अभी अभी श्रवण कर रहे थे जिन्होंने महाप्रभु के जगत में लाए। फिर आज का दिन हमारे श्री भक्ति भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज ने यहाँ पर भित्ति स्थापन नीम स्थापन भी किया है। और फिर श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज इनका भी जन्म सप्ताह एक साथ में जैसे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी जैसे मिलती हैं, आज मानव ये त्रिवेणी ये तीर्थराज जो प्रयाग है मानव यहाँ साक्षात रूप में ये तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गया है। इसलिए जो दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इन्होंने जो आज का दिन जो भित्ति स्थापन किया अभी बहुत बढ़िया दिन। बोले कारण क्या? बोले कारण है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में जो आए थे वो किस लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे? इसका भविष्यवाणी किया महाप्रभु का, इनका भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरना। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी, एक दिन ऐसे आएगा गांव गांव में शहर शहर में गली गलियों में सबके लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा हरे बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
करूंगा भविष्यवाणी, लेकिन ये महाप्रभु को लाए तो कौन लाए? बोले श्री अद्वैत आचार्य जी लाए। आज जिनका जन्मतिथि आप अभी अभी श्रवण कर रहे थे, जब श्री अद्वैत आचार्य जगत में आए और जगत का दुर्दशा तो उन्होंने देखा, कैसे कुत्ता कुत्तियों की शादी हो रही है, कैसे बिल्ला बिल्ली की शादी हो रही है, दुर्गा पूजा में कैसे वहां पर बलि चढ़ाते हैं, शराब पी रहे हैं, अनाम शनाम से कैसे जीवन गुजर रहे था, कैसे श्री अद्वैत आचार्य ने ये दुनिया को देख करके उन्होंने महाप्रभु को जगत में अवतीर्ण करवाए। बोले क्यों, इनका क्या जरूरत था लाने का, इनकी इतना चिंता क्यों, और भी तो बहुत थे, इनकी इतना चिंता क्यों? बोले इसका कारण बताते हैं, ये सदाशिव ये महाविष्णु है। कहते महाविष्णु है कौन? बोले ये महाविष्णु वे हैं, कहते जिन्होंने माया को प्रति दृष्टि करने पर, जैसे कृष्ण कहते हैं माया अध्यक्ष प्रकृति सुए के सचराचर, जब भगवान अपना दिव्य दृष्टि से माया को प्रति इखन करते हैं, ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, इसलिए अद्वैत आचार्य सृष्टि का ये कारण है। जैसे पिता माता बच्चों को जन्म देते हैं, पिता माता का क्या कर्तव्य है? बच्चों को पालन करना, बच्चों को पालन करना पिता माता का कर्तव्य यही है, इसलिए जगत का पिता ये है। जब देखे सबके सब जीव कृष्ण विमुखता में जा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर में क्रोध आए, बोलते ना चक्र लेकर दुनिया को ध्वस्त कर दूंगा। इसलिए अद्वैत आचार्य ने आज का दिन ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में लाए। इसलिए हमारे श्री हैं कहते श्री लोचन दास ठाकुर के सुंदर भजन लिखे, वो कहते हैं बोले एल गौर रस नदी कार बिन होए भाषा एल गौर देश प्रेम वृष्टि दिए होड़ो होड़ो शब्द आइला श्री अद्वैत चंद्र जल रस धारा ताए राय रामन। इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर उदाहरण दिया है महाप्रभु का परिक्रमा में कौन क्या क्या काम किया, ये अद्वैत आचार्य क्या काम किया, वो कहते हुड़ हुड़ शब्द आएगा, हुड़ हुड़ मतलब होता है जैसे यहाँ पर कोई आंधी तूफान बरसात नहीं, हठात जैसे आकाश में मेघ मेघ छा गया और ऐसे बारिश आया ना, सबको उन्होंने भिगा करके ले गए। यदि अद्वैत आचार्य ने श्रीमान महाप्रभु के जगत में ला करके सचमुच उन्होंने कृष्ण प्रेम रूपी बारिश को द्वारा सब जीवों को उन्होंने भिगा करके हरि जगत से चले गए। इसलिए कहते हैं ये हरी भक्ति ये प्रचार कहाँ से शुरुआत हुई है, जो हमारे सिद्धार्थ जी महाराज आज उन्होंने जो मंदिर का जो भीति स्थापन करने का उद्देश्य किया है, इसका कारण क्या है? बोले कारण यही है, ये प्रचार प्रसार शुरुआत कहाँ से हुई? बोले माया गुरु से। श्रीमन महाप्रभु को उदाहरण दिया, एक मूल स्कंध है और उसमें दो शाखाएं हुई है, बताओ तो कौन कौन हुई है? एक नित्यानंद प्रभु और एक श्री अद्वैत आचार्य हुई, फिर इन्हीं शाखाओं से फिर अनंत शाखा है और भी शाखा हुई है। बोले कौन? बोले श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शाखा हुई, फिर उन्हीं शाखाओं से विशेष करके एक विशेष शाखा निकला, कहते वो कौन है? कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि राधा रानी के नयन मणिमंजर रूप में जगत में आए, और उससे भी बहुत शाखा निकले, उससे भी एक शाखा निकला श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, लेकिन उसी से विशेष करके तीन फूल खिले हैं। कितना फूल खिले? लेकिन ये तीन फूल में भी विशेष करके एक फूल खिला है, कौन है? जिसको हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब रहते थे मायापुर में रहते थे, कभी वो शिष्यों को कथा सुना रहे थे, इतने में कुछ लोग आकर के बोले आप इतना सारे बाग खाली जमीन पड़ा हुआ आप कुछ फूल क्यों नहीं लगाते हो? तो उन्होंने दिख नहीं बोले सब फूल बैठे हुए, उन्होंने बोले जब फूल बैठे हुए जिसमें हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बामन गोस्वामी सब कुछ बैठे हुए, तो बोले दिख नहीं रहे फूल को? कहते ये फूल का खुशबू सौरभ सरसों कितना दूर तक जाएगा? बोले थोड़ी दूर तक, फिर मुरझा जाएगी, लेकिन ये जो फूल खिले हुए हैं विशेष करके हमारी भक्ति वेदांत श्रीमद
नारायण गोस्वामी महाराज जो फूल खिले हुए, बल्कि ये फूल का खुशबू, इसका सौसर्ज, इसका सौंदर्य, इसकी खुशबू एक दिन संपूर्ण विश्व में फैलेगा। और जिस पुष्प की खुशबू में भौरा जहाँ पर आकर्षित तो होकर के आएंगे और वो मधुओं को पान करेंगे, सचमुच से एक दिन क्या हुआ, हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज संपूर्ण विश्व में ये महापुरुष का वाणियों को जगत में इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। कहते उसी फूल में भी और एक भी फूल निकला है, बहुत तो फूल निकले, उसमें भी एक भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत सिद्धार्थी महाराज भी निकले, ये भी एक निकले हैं, जिन्होंने आज गाड़ी ये फरीदाबाद में पहले गुरुदेव का आए प्रचार करने के लिए, गुरुदेव के सामने भी आता था, जब गुरुदेव चले गए फिर मैं ज्यादा फरीदाबाद में ज्यादा ही ज्यादा मैंने प्रचार किया था। लेकिन इसको बाद में फिर हमारे सिद्धार्थ महाराज आए, गुरुदेव का जो इच्छा थी यहाँ एक प्रीचिंग सेंटर हो जो जगत में हरि भक्ति को प्रचार जगत में हो, हाँ ये गुरुदेव की इच्छा थी। इसलिए मानो गुरुदेव सिद्धार्थ महाराज के द्वारा ही उन्होंने अपना अभिष्ट को पूर्ण किया और यहाँ पर इन्होंने कौन सा मठ है, राधा राधा माधव गौड़ी मठ को उन्होंने यहाँ पर उन्हें स्थापन यहाँ पर महाराज ने यही पर उन्होंने किया है। इसलिए यदि जो हरि भक्ति है विशेष करके महाप्रभु का यही इच्छा था, क्या इच्छा था, संपूर्ण पृथ्वी में मेरा नाम गूंज उठे, कृष्ण कीर्तन गूंज उठे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु सर्वप्रथम विशेष करके दो व्यक्ति को जगत में भेजा हरिनाम प्रचार करने के लिए, बोले दो